गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उस एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, और ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इस पर्टिकुलर टॉपिक में से जनरली एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें, ध्यान से समझिएगा, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले अपन ये समझते हैं गुडविल क्या चीज होती है, गुडविल क्या है, व्हाट इज मीन बाय गुडविल। दो बहुत सिंपल सा मतलब होता है गुडविल का, आपके बिजनेस की जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन की जो कॉमर्शियल वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम गुडविल बोलते हैं। तो व्हाट इज गुडविल, द कॉमर्शियल वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस की जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन की जो कॉमर्शियल वैल्यू है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। अब किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन कैसे बनती है, कि क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है, आपके साथ कौन कौन से कस्टमर एसोसिएट है, इन सब चीजों से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या बनती है, रेपुटेशन बनती है। और उस रेपुटेशन की जो कॉमर्शियल वैल्यू होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो व्हाट इज गुडविल, गुडविल इज अ कॉमर्शियल वैल्यू। गुडविल क्या है, कॉमर्शियल वैल्यू है किसकी, ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। आपके बिजनेस की जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन की जो कॉमर्शियल वैल्यू है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। और मैंने बताया रेपुटेशन कैसे बनती है, कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आप रेंडर कर रहे हैं कस्टमर्स को, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, आपके साथ कौन बिजनेस में आपके कौन कौन से कस्टमर आपके साथ एसोसिएटेड हैं, इन सब चीजों से आपकी क्या बनती है, रेपुटेशन बनती है। और उस रेपुटेशन की जो कॉमर्शियल वैल्यू होती है, उसको अपन बोलते हैं गुडविल। गुडविल क्या है, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल आपका एक इनटेंजिबल एसेट है, which cannot be touch and see, but it can be feel. It cannot be seen and touch, but it can be felt. Goodwill increase the sale and profit of the business. अगर market में आपकी goodwill है, तो उस goodwill के कारण आपकी sale और आपका profit दोनों increase होगा. It attracts the customer. ये customers को attract करती है. और important point, जो हमारे practical के point of view से क्या है, वो है आपका क्या, द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। मतलब कि जैसे एक आईफोन है और एक वन प्लस है, दोनों मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन जो आईफोन है वो मंथ का 5 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है, जबकि वन प्लस कंपनी मंथ का केवल 3 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है। तो दोनों का सेम बिजनेस है, दोनों एक जैसा बिजनेस कर रहे हैं, दोनों का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, लेकिन जो आईफोन है वो वन प्लस से 2 करोड़ रुपीज पर मंथ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो यानी आज आईफोन की मार्केट में क्या है, गुडविल है। तो इसके बोला जाता है जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो किसके बेसिस पे होता है, प्रॉफिट के बेसिस पे, कि दो एक जैसे बिजनेस है, सेम नेचर का बिजनेस है, और एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो किसके कारण करता है, अपनी गुडविल के कारण। तो इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन किसके बेसिस पे होता है, हमेशा प्रॉफिट के बेसिस पे किया जाता है। अब आ जाती है नीड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म में कब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, कब कब करते हैं, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब आप किसी नए पार्टनर का एडमिशन करेंगे तब गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि कल को अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहते हैं, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, डिसॉल्यूशन का मतलब होता है क्लोज करना, तो जब अपन एक पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करते हैं उस समय गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, जब एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। इन केस ऑफ अमलगमेशन, अमलगमेशन क्या होता है, अमलगमेशन का मतलब होता है जब दो पार्टनरशिप, दो तरीके से होता है अमलगमेशन, कि जब दो पार्टनरशिप फर्म मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बन जाए, जिसको अमलगमेशन बोलते हैं,
और जब एक पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म को खरीद ले तो उसको भी अमलगमेशन बोलते हैं। तो जब दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलकर एक नई पार्टनरशिप फर्म बना लेती हैं, वो कहलाता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और जब एक पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म को परचेज करती है तो कहलाता है अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज। तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन होता है। इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्म टू अ कंपनी, जब एक पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी में कन्वर्ट होती है उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। एंड इन केस ऑफ सेल, जब एक पार्टनरशिप फर्म को आप किसी कंपनी को सेल करते हो तो उस केस में क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो इन सारे केसेस में पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का क्या होता है, वैल्यूएशन किया जाता है। अब बात आती है गुडविल का वैल्यूएशन करते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ने की कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो अभी अपन ने लास्ट टाइम पढ़ी थी क्या, द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। तो गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो किसके बेसिस पे किया जाता है, प्रॉफिट के बेसिस पे किया जाता है। तो गुडविल को वैल्यूएशन करने के फोर मेथड्स हैं, चार मेथड हैं जिन्स, और इसमें से कोई सी भी एक मेथड को अडॉप्ट करके हम अपनी पार्टनरशिप फर्म की या बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। आउट ऑफ दिस फोर, अभी 12th क्लास में 3 मेथड्स आपके कोर्स में हैं। अब एक एक करके एक एक मेथड को अपन डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सबसे पहला जो मेथड है अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मैंने बताया गुडविल को वैल्यू करने के फोर मेथड्स हैं। आउट ऑफ फोर 3 मेथड्स हमारे 12th क्लास में अभी कोर्स में हैं। सबसे पहला मेथड अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मेथड 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में हमको कैलकुलेट करना पड़ता है क्या, एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब ये जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं ना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें केवल यही चीज समझने की, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके अंदर फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो मैंने क्या बताया, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है, एवरेज प्रॉफिट बोलो या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलो, एक ही बात है। क्या निकालना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी मेरे को एक ऐसा प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो आने वाले फ्यूचर में मैं अर्न करूंगा। क्या करना है, मेरे को एक ऐसा प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो मैं आने वाले फ्यूचर में अर्न करूंगा एक नॉर्मल बिजनेस में, यानी मेरे को एक ऐसा प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो एक नॉर्मल बिजनेस करके मैं फ्यूचर में अर्न करूंगा। जैसे मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो स्टेशनरी परचेज करी और स्टेशनरी को सेल करा, तो केवल ये दो काम करने से फ्यूचर में मेरे को क्या प्रॉफिट होगा वो मेरे को कैलकुलेट करना है। तो इस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या होगा, लास्ट 3 या 4 या 5 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन होंगे। लास्ट 3 या 4 या 5 इयर्स के क्या गिवन होंगे, प्रॉफिट्स गिवन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2001 2002 2003 2004 2005 इयर्स हैं और ये प्रॉफिट है, यह प्रॉफिट हो रहा है 25,000, यह है 20,000, यह है आपका 5,000, यहां पे प्रॉफिट हुआ 50,000 और यहां पे प्रॉफिट हुआ कितना 20,000। अब सुनना है ऐसे, क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में क्या होगा, लास्ट 3 या 4 इयर्स के आपको प्रॉफिट्स गिवन होंगे। जितने भी 3 या 4 या 5 इयर्स के जितने भी साल के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं, इयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, आप उसका क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना, आप उसका क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और उस एवरेज प्रॉफिट को ही अपन क्या बोलते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। लेकिन मैंने क्या बताया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि एक नॉर्मल बिजनेस करके
हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं एक नॉर्मल बिजनेस करके, जो फ्यूचर में हम प्रॉफिट अर्न करेंगे वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहलाता है। कि मेरी स्टेशनरी की दुकान है तो केवल स्टेशनरी का सामान नॉर्मल बिजनेस में बेचा और नॉर्मली उसको खरीद लिया, तो नॉर्मल स्टेशनरी परचेज करके और सेल करके मैं फ्यूचर में क्या कमाऊंगा वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्वेश्चन में क्या हुआ, लास्ट 3 या 4 या 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन दे, मैंने उन 4-5 ईयर्स के प्रॉफिट का क्या करा, उन 4-5 ईयर्स के नॉर्मल प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट है वो कौन से प्रॉफिट होने चाहिए, एक नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट होने चाहिए, उस नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट्स का मैंने एवरेज निकाला और कहा कि ऑन एवरेज मैं फ्यूचर में इतना प्रॉफिट क्या करता हूं, अर्न करता हूं। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ये जो पास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, ये नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। नॉर्मल बिजनेस मतलब केवल परचेस करा सेल करी, परचेस करा सेल करी, केवल इन दो एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। तो कई बार ये जो पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते हैं, इसमें कुछ ऐसा हो रखा होता है या तो ये गलत होते हैं या फिर इसमें कुछ एबनॉर्मल चीजें इंक्लूड होती हैं, डिडक्ट हो रखी होती हैं। तो अपन को क्या निकालना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट निकालना है जो एक बिजनेस में नॉर्मल बिजनेस करके मैं फ्यूचर में कमाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, जो प्रॉफिट है ये भी मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को इन पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट में, पिछले सालों के प्रॉफिट में ये 6 एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। क्या है ये 6 एडजस्टमेंट, सुनिए। सबसे पहले है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एक ऐसा लॉस जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, बाय चांस हो जाता है, ठीक है ना, चोरी वही, थेफ्ट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। तो ये ऐसे लॉस हैं जो बिजनेस में बार बार नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है हर साल ही बिजनेस में चोरी हो जाती है या हर साल ही बिजनेस में आग लग जाती है। तो ये जो मैंने एग्जांपल बताया लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, ये एग्जांपल है किसके, एबनॉर्मल लॉस के। तो अगर आपके किसी साल का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल लॉस के कारण अगर रिड्यूस हो रखा है तो उस एबनॉर्मल लॉस को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में अपन दोबारा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरे को यहां पे मेरे बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्या देख रहे हैं, ऑन एवरेज 20-25 हजार का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपने लेकर 2003 में प्रॉफिट केवल 5000 का ही हुआ। क्यों, क्योंकि इस ईयर में मेरे गोडाउन में आग लग गई थी और उसके कारण मेरे को 20,000 रुपीज का लॉस हो गया था। मतलब अगर आग नहीं लगती तो मैं इस साल भी कोई 25,000 का प्रॉफिट कमाता। तो आग लग जाने के कारण, फायर लग जाने के कारण ये प्रॉफिट कितने का रह गया, 5,000 का रह गया। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको ये जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं ये कौन से नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट सही है, इसमें कुछ भी एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एबनॉर्मल केस हो गया कि यहां पे इस साल क्या हुआ था, आग लग गई थी, इस कारण से मेरे को 20,000 का लॉस हो गया था, इसलिए ये प्रॉफिट क्या रह गया, 5,000 का रह गया। यानी अगर इस 2003 में नॉर्मल बिजनेस चलता तो मैं वही 25,000 का प्रॉफिट कमाता। तो मेरे को तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब कि एक नॉर्मल बिजनेस करके फ्यूचर में क्या कमाऊंगा वो निकालना है। तो ये जो चीज है यहाँ पे एबनॉर्मल चीज हो गई है, तो उसको रेक्टिफाई करना है, इसको सही करना है, मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो क्या बताया कि किसी साल का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल लॉस के कारण अगर रिड्यूस हो रखा है तो उस एबनॉर्मल लॉस को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में दोबारा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को मेरे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना, जिसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं हो, वो प्रॉफिट मेरे को चाहिए। उन प्रॉफिट्स को यूज करके मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा और वो मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहलाएगा। तो इस साल मेरे बिजनेस में एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था, इस कारण 5,000 का प्रॉफिट हुआ। यदि नॉर्मल बिजनेस करता तो मेरे को वही प्रॉफिट कितना होता, 25,000 का होता। तो पहले एडजस्टमेंट समझ में आ गया क्या, कि अगर किसी साल का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल लॉस के कारण अगर रिड्यूस हो रखा है तो गुडविल निकालते समय उस एबनॉर्मल लॉस को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में दोबारा आप क्या करोगे, ऐड बैक कर दोगे। समझ में आई बात,
सेकंड एडजस्टमेंट जो करते हैं अपन पिछले साल के प्रॉफिट में से वो होता है आपका, पहले एडजस्टमेंट समझ में आ गया आपको, सेकंड पढ़ रहे हैं दैट इज एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, मतलब बिजनेस में ऐसे गेन जो रेगुलर नहीं होते, बाय चांस हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां देखा आपने 2004 में मेरे को 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। वैसे तो ऑन एवरेज 20-25 का हो रहा था, लेकिन यहां पे एकदम से 50,000 का प्रॉफिट हो गया। कैसे, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे थे, उन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2004 में अचानक बढ़ गई और मैंने उनको सेल कर दिया, इस कारण से मेरे को यहां पे 25,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अचानक से बढ़ गई और आपने उन इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, तो वो दोबारा तो नहीं होगी चीज। यानी इस साल के प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है और मेरे को क्या निकालना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब एक नॉर्मल बिजनेस करके फ्यूचर में क्या कमाऊंगा वो निकालना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट चाहिए, एक नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए। यानी यहाँ पे अगर 25,000 का एबनॉर्मल गेन नहीं होता फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे भी मैं वही 25,000 का प्रॉफिट ही कमाता। तो अगर किसी साल के प्रॉफिट में किसी एबनॉर्मल, किसी भी ईयर के प्रॉफिट में, किसी कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल गेन अगर इंक्लूडेड है, तो उस एबनॉर्मल गेन को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ गई बात, ताकि वो प्रॉफिट, उस साल का प्रॉफिट एक नॉर्मल प्रॉफिट बन जाए, राइट। हमारा मोटिव यही है कि बिजनेस का ये जो प्रॉफिट है पास्ट ईयर के, इसको बिजनेस का एक नॉर्मल प्रॉफिट हमको बनाना है, ये हमारा मोटिव है, ठीक है ना। कोई गलती है उसको रेक्टिफाई करना है और रेक्टिफाई करके इसको नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट्स मेरे को चाहिए, ये मेरा मोटिव है अभी, राइट। तो दो एडजस्टमेंट्स हो गए। तीसरा एडजस्टमेंट क्या है, अगर इन पास्ट ईयर के प्रॉफिट में कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम जुड़ी हुई है। अब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि हमारा जो मेन हमारा बिजनेस है उसके बाहर हम जब कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे जो हमको इनकम होती है वो हमारी कहलाती है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जैसे मेरी स्टेशनरी की दुकान थी, मेरे पास सरप्लस फंड इकट्ठा हो गया, तो मैंने क्या करा, उसकी एफडी करा दी, और उस एफडी पे मेरे को क्या मिल रहा है, फिक्स डिपॉजिट पे मेरे को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है कि वो स्टेशनरी का सामान परचेज करके और सेल करके मैं नॉर्मल क्या कमाऊंगा, अर्न करूंगा फ्यूचर में, वो मेरे को चाहिए। तो अगर किसी साल के प्रॉफिट में कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम अगर इंक्लूडेड है, तो हम उस इनकम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि मेरे को केवल मेरे बिजनेस की नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, कि बिजनेस करके मेरे को क्या कमाया, क्या अर्न करा, वो मेरे को यहां पे चाहिए। तो अगर किसी भी साल के प्रॉफिट में किसी भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम अगर इंक्लूडेड है, तो उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि मेरे को मेरे केवल बिजनेस की नॉर्मल इनकम चाहिए, जो मैंने मेरा मेन बिजनेस है उसकी मेरे को नॉर्मल इनकम चाहिए। समझ आ गया ये एडजस्टमेंट क्या है, कि अगर किसी भी साल के प्रॉफिट में कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम अगर इंक्लूडेड होगी, तो उसको इस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो मेरे मेन बिजनेस की इनकम नहीं है। समझ में आ गया, तो ये था आपका थर्ड एडजस्टमेंट। अब फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अब कई बार क्या होता है, गलती से हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को गलती से बाय चांस ओवर वैल्यू भी करते हैं, ज्यादा वैल्यू करते हैं या कम वैल्यू करते हैं, तो उससे भी मेरे प्रॉफिट पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले यहां क्या लिखते हैं अपन, ओपनिंग स्टॉक, फिर यहां पे क्या आता है आपका परचेज, और यहां पे आपके क्या आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, यहां पे क्या आती है आपकी सेल्स आती है, और यहां पे क्या आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, बैलेंसिंग फिगर। पढ़ा था 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट। अब सुनिएगा, सपोज करो 2004 का जो क्लोजिंग स्टॉक है
वो बाय मिस्टेक 20,000 से ओवर वैल्यूड हो गया। ओवर वैल्यू मतलब उसको गलती से 20,000 रुपीज ज्यादा वैल्यू कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो सुनिए। सपोज करो इसका जो टोटल है ओपनिंग स्टॉक परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका टोटल आ रहा है 1 लाख और इसका टोटल आ रहा है 2 लाख या 2,20,000। तो 2,20,000 में से 1 लाख माइनस करें तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 1,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये तो सही था, अब क्या गलती होगी, गलती से मैंने इस क्लोजिंग स्टॉक को 30,000 ज्यादा ओवर वैल्यू कर दिया, 30,000 ओवर वैल्यू कर दिया, ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा वैल्यू कर दिया। तो यानी ये जो टोटल अभी 2,20,000 है तो क्लोजिंग स्टॉक ये टोटल इसका है सेल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का, ये सही था। गलती से मैं बता रहा हूं, गलती क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करने से क्या इंपैक्ट पड़ता है इस ग्रॉस प्रॉफिट पे, मैंने इस क्लोजिंग स्टॉक को 30,000 ज्यादा वैल्यू कर दिया, मतलब ये टोटल 2,20,000 की जगह क्या हो जाएगा 2,50,000 हो जाएगा। क्या करा, गलती से क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया कितने से, 30,000 से, यानी ये जो टोटल 2,20,000 हो रहा था ये कितना हो जाएगा 2,50,000, 2,50,000 में से 1 लाख माइनस करूंगा तो ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1,50,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1,50,000। ये अपन कब की बात कर रहे थे, 2004 की। यानी आपने क्या देखा कि क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यू होने से, क्लोजिंग स्टॉक के 30,000 ओवर वैल्यू होने से मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यू होने से मेरा जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ओवर वैल्यू हो गया, ठीक है ना। कौन से साल का, 2004, जिस साल ये गलती हुई थी उस साल का, समझ में आई बात। अब इसका इंपैक्ट अगले साल भी पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर भी पड़ेगा, क्या ये इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। इस साल का ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ये कब का है, 2004, तो 2004 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2005 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो यानी अब अपन बात करते हैं 2005 की, 2005 की बात करते हैं, 2005 में क्या हुआ, सेम अपन अज्यूम करते हैं कि ये 2,20,000 था, ये 1,00,000 था, तो मेरा प्रॉफिट कितना था, 1,20,000 था। अब 2004 का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग बन गया, ये तो अभी सही सिचुएशन है। अगर ये एकदम सही होता है 2005 में तो ये 2,20,000 था, ये 1,00,000 था, कितना हो गया 1,20,000। अब गलती क्या हुई थी, 2004 का क्लोजिंग स्टॉक 30,000 से ओवर वैल्यूड हो गया, तो ये जो 2004 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2005 का क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। तो 2005 का ओपनिंग स्टॉक भी अब क्या हो गया, 30,000 से ओवर वैल्यूड हो गया, यानी ये जो टोटल है 1,00,000 से कितना हो गया, 1,30,000 हो गया। तो 2,20,000 में से अपन माइनस करेंगे 1,30,000 तो कितना आएगा आपका, आई थिंक 90,000 आएगा। 2,20,000 में से 1,30,000 माइनस करेगा कितना हो गया 90, एक्चुअल में सही क्या था 1,00,000, लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक 30,000 से ओवर वैल्यू हो गया तो ये टोटल क्या हो गया 1,30,000। तो 2,20,000 में से 1,30,000 माइनस करें तो कितना आ गया 90,000, ही गलत है। यानी आपने क्या देखा कि ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यू होने से मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, कम हो गया। यानी अगर आपका इससे मेरे को ये समझ में आया कि अगर आपका करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाता है तो इससे आपके करंट ईयर का प्रॉफिट तो इंक्रीज हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई क्या बात, कि पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 30,000 ओवर वैल्यूड हो गया, इस कारण से मेरे 2004 का क्लोजिंग स्टॉक 2004 का मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया और 2004 का क्लोजिंग स्टॉक 2005 का क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक।
तो उससे मेरे नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में 1 मार्क्स में भी आ सकता है। इफ करंट ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्रीज देन करंट ईयर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज एंड नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट विल बी डिक्रीज। तो अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, यहां पे ये करंट ईयर का यानी 2004 का प्रॉफिट गलती से बढ़ गया, गलती से बढ़ा है, तो उसको कम करने के लिए इसमें से क्या करेंगे, 2004 के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। और इससे अगले साल का प्रॉफिट गलती से कम हो गया, गलती से क्या हुआ, कम हो गया, तो अगले साल के प्रॉफिट में ये जो लेस अमाउंट है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2005 के प्रॉफिट में, वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। समझ में आई बात। इफ क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान से सुनिएगा, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड देन करंट ईयर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज, तो उससे मेरे करंट ईयर का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा। अगर मेरे करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगर इंक्रीज हो गया है गलती से, तो उससे करंट ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया, गलती से बढ़ जाएगा, तो उस साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा। और इससे अगले साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो गलती से कम हो गया, तो अगले साल के प्रॉफिट में उस अमाउंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आई। तो ये एडजस्टमेंट था किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। और इसका वाइस वर्सा भी, कि अगर करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगर डिक्रीज हो रहा है, तो इससे करंट ईयर का प्रॉफिट तो डिक्रीज हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है क्या, कि अगर करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगर डिक्रीज हो जाएगा, तो इससे करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो तो डिक्रीज हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, मैं दोबारा बोल देता हूं, इफ करंट ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्रीज देन करंट ईयर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय मिस्टेक एंड नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट विल बी डिक्रीज बाय मिस्टेक एंड इफ करंट ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज डिक्रीज देन करंट ईयर प्रॉफिट इज डिक्रीज एंड नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड। समझ में आ गई बात। तो यहां गलती से बढ़ गया था माइनस करेंगे, या गलती से कम हो गया ऐड कर देंगे, या गलती से कम हो गया ऐड हो जाएगा, और ये गलती से बढ़ गया तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में ऐसी कुछ गलती होती है, तो उसको भी अपन यहां पे क्या करेंगे, रेक्टिफाई करके अपने बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये एडजस्टमेंट था किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, बिजनेस में मेनली दो तरह के खर्चे होते हैं, वन इज रेवेन्यू एक्सपेंस, एक तो होते हैं आपके कौन से एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, और एक होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंस। एक होते हैं आपके कौन से एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं, अपने बिजनेस के डे टू डे रूटीन लाइफ के जो खर्चे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, वाटर बिल पेड, मोबाइल बिल पेड, परचेज, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड। तो ऐसे खर्चे जो बिजनेस में डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए बिजनेस में बार बार किए जाते हैं, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते हैं। और इनको अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, कहां पे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जनरली अपने फिक्स असेट्स को परचेस करने में जो खर्चा किया जाता है, अपने फिक्स असेट्स को परचेस करने में जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। या फिर फिक्स असेट खरीदने के बाद उसपे कोई बहुत हैवी अमाउंट का कोई खर्चा कर देते हैं, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। फिक्स असेट खरीदने के बाद उसमें कोई बहुत हैवी अमाउंट का अगर हम कोई खर्चा कर देते हैं, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको अपन बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, कैसे, डेप्रिसिएशन लेस करके, डेप्रिसिएशन लेस करके। और ये जो डेप्रिसिएशन है, इस डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, इस डेप्रिसिएशन को अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, अब सुनिए क्या एडजस्टमेंट है, कि बिजनेस में हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अपन ने उसको ट्रीट कर लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या हुआ, इफ
कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया बाय मिस्टेक। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी प्लांट एंड मशीनरी पे 1 लाख रुपीज का एक मेजर एक्सपेंस किया, तो अपने फिक्स प्लांट एंड मशीनरी मेरी फिक्स असेट होती है, तो फिक्स असेट पे मैंने भी क्या बताया, फिक्स असेट पे कोई बहुत बड़ा अगर आप कोई खर्चा कर देते हो तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी पे मेजर रिपेयर का पे खर्चा कर दिया, मेजर बहुत बड़ा खर्चा कर दिया, तो वो मेरा क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मेरे को एंट्री क्या करनी थी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 1 लाख 1 लाख। तो ये मेरा कौन सा खर्चा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आ गया क्या एग्जांपल है, कि मैंने अपनी प्लांट एंड मशीनरी पर बहुत हैवी अमाउंट का खर्चा करा है, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये एंट्री होनी थी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये अमाउंट मेरी बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी में जाके ऐड होता। ऑफिस पे अपन क्या लगाते, डेप्रिसिएशन। लेकिन गलती हो गई, क्या गलती हो गई, कि अपन ने इसको रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, मतलब इस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की जगह मैंने रिपेयर अकाउंट को क्या करा, डेबिट कर दिया, मैंने एंट्री कर दी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 1 लाख। मतलब मैंने इसको एक बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो क्या होना चाहिए था, अगर ये सही है, अगर ये होता तो मैं इसको बैलेंस शीट में दिखाता, प्लांट एंड मशीनरी कितना 1 लाख, ऑफिस में से मैं डेप्रिसिएशन लेस करता, सपोज करो 10% है, तो 1 लाख का 10% डेप्रिसिएशन लेस होता कितना था, 90,000। और ये जो डेप्रिसिएशन है इसको मैं कहां पे शो करता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करता, टू डेप्रिसिएशन 10,000। अगर सब कुछ सही होता तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता। लेकिन मैंने तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, और जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस है वो कहां डेबिट होते हैं, ट्रेडिंग या पीएनएल में। तो रिपेयर मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो मैंने अगर इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया तो बैलेंस शीट में तो भेजा नहीं, मैंने इसको पीएनएल में डेबिट कर दिया टू रिपेयर कितना, 1 लाख, और बैलेंस शीट में भेजा नहीं, और बैलेंस शीट में भेजा नहीं तो उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा। समझ में आ गई क्या गलती हो गई, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। अब इसको रेक्टिफाई करना है मेरे को, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सबसे पहले पीएनएल से ये 1 लाख रुपीज का एक्सपेंस डिडक्ट करूंगा। तो जैसे ये खर्चा मैंने हटाया, यहां से 1 लाख का एक्सपेंस मैंने हटाया पीएनएल से, तो जैसे ही खर्चा हटाऊंगा पीएनएल में से तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सपोज करो ये गलती 2004 में हुई थी, तो मेरे 2004 का प्रॉफिट 1 लाख रुपीज से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। 1 लाख रुपीज से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको हटा के मैं इसको कहां लिखूंगा, बैलेंस शीट के अंदर लिखूंगा, तो इस पे क्या लगेगा, 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन कहां डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन या पीएनएल में डेबिट होगा, टू डेप्रिसिएशन 10,000। तो खर्चा पीएनएल में आएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये 10,000 से खर्चा मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा, तो मेरा 10,000 से प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। अब ये गलती 2004 में हुई थी, अब इसका इंपैक्ट अगले साल भी पड़ेगा। क्या, कि मैंने यहां पे इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया था, तो ना तो 2004 में डेप्रिसिएशन लगा, ना 2005 में डेप्रिसिएशन लगा। तो अब मैंने इस गलती को 2004 में जाके रेक्टिफाई किया, तो 2004 का एक तो ये प्रॉफिट बढ़ गया 1 लाख, और उस पर डेप्रिसिएशन लगा तो वो प्रॉफिट में से माइनस हो गया, तो डेप्रिसिएशन अब अगले साल भी तो लगेगा 2005 में। डेप्रिसिएशन के आपको पता है दो मेथड होते हैं, वन इज WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एंड सेकंड इज स्ट्रेट लाइन मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और स्ट्रेट लाइन मेथड में आपके डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है। तो जैसे 1 लाख है, 1 लाख का 10% लगाकर 2004 में कितना बचा, 90,000। तो अगर ये WDV मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो 90,000 का 10% 9,000 लगेगा, तो 9,000 का डेप्रिसिएशन 2005 में चार्ज होगा, तो यहां का प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा, 9,000 से। और अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 10,000 डेप्रिसिएशन 2004 में लगा था,
10,000 निकाल लगता है 2005 में, और फिर 10,000 यहाँ पे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो अगर आपने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पीएनएल में डेबिट हो गया होगा। कैसे रेक्टिफाई करेंगे, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को इस पीएनएल से हटाएंगे, तो जैसे ही खर्चा पीएनएल से हटेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर इसको कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, और डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट होता है तो उस साल का प्रॉफिट क्या होगा, उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट से कम हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन आपको अगले साल भी लगाना है। तो अगर WDV मेथड है तो जो बैलेंस बचा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो डेप्रिसिएशन अगले साल चार्ज होगा, तो वो डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो जो पहले लगाया था 10,000 वही अगले साल लगेगा, तो यहाँ पे कौन सा 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये फिफ्थ एडजस्टमेंट था जो अपन ये पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से करते हैं। नाउ लास्ट इज कैपिटल रिसिप्ट। ये क्या है एडजस्टमेंट, देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, दो तरीके की रिसिप्ट्स होती हैं। एक होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट, क्या होती है कैपिटल रिसिप्ट, और एक होती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ऐसी रिसिप्ट्स जिसके आने से या तो मेरे बिजनेस में कोई लायबिलिटी बढ़ जाए, कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, या फिर किसी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाए, तो वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। क्या होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक ऐसी रिसिप्ट जिसके आने से क्या हुआ, या तो मेरे बिजनेस की कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो गई या फिर मेरे फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है कि वो रिसिप्ट जिसके आने से ना तो कोई लायबिलिटी बढ़ रही है और ना किसी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है। जैसे मैंने अपने गुड सेल करे कस्टमर को कैश में, तो गुड सेल करे कस्टमर को कैश में तो उससे ना तो कोई लायबिलिटी बढ़ी और ना किसी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हुई, तो ये मेरी क्या हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो ये सब क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब क्या हुआ, मेरे को सपोज करो रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने गुड सेल करे, तो गुड्स को सेल करने की एंट्री क्या होती है, गुड्स को सेल करने की एंट्री होती है बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये मेरी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है ना। अब इसको मैंने क्या ट्रीट कर लिया, लोन ट्रीट कर लिया, मतलब मैंने यहां पे सेल अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय एंट्री क्या कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, मतलब मैंने क्या ट्रीट कर लिया इसको, कैपिटल रिसिप्ट, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट को मैंने कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट कर लिया। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वही मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, अभी बताए यहां क्या आता है ओपनिंग स्टॉक, यहां क्या आती है परचेज, यहां क्या आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां क्या आती है सेल्स, यहां क्या आता है क्लोजिंग स्टॉक, और इसके टोटल में से ये माइनस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या हुआ, मैंने सेल करी थी, तो सेल करी थी तो ये मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है, बट मैंने सेल अकाउंटों को क्रेडिट करने के बजाय लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। या फिर क्यों मान लो, लोन की बजाय मान लो मैंने कार अकाउंट क्रेडिट कर दी, या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दी, मैंने मान लिया कि गुड सेलिंग में प्लांट एंड मशीनरी सेल हो गई, तब इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर मैं ये सही एंट्री पास करता तो ये सेल मेरी सेल इंक्लूड होती तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है जो अभी आ रहा है उससे ज्यादा आ रहा, लेकिन मैंने तो उसको क्या ट्रीट कर लिया, सेल ऑफ कार, तो मैंने इसको बैलेंस शीट में से हटा दिया होगा। अब इसको सही करना है, समझ में आया गलती क्या हुई है, गलती क्या हुई है, मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट कर लिया। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, जैसे मैंने गुड सेल करे तो एंट्री करनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, और मैंने उसको एक कार की सेल मान ली तो एंट्री करनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कार, ये गलती से हो गया, बाय मिस्टेक हो गया ये, तो ये जो सेल यहाँ पे क्रेडिट होनी थी या तो हुई नहीं और बैलेंस शीट में से कार माइनस हो गई। अब सही करना है, तो इस सेल को मैं सेल में इंक्लूड करूंगा
तो मेरा जीपी बढ़ेगा। तो ये सपोज करिए 2005 में गलती हुई थी, तो यहाँ का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा जितनी भी अमाउंट की सेल है उससे, ठीक है ना। दूसरा, मैंने वहां से बैलेंस शीट से कार को लेस कर हटा दिया जबकि कार तो है मेरे पास, तो अब उस पर क्या हुआ होगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ही लगा होगा, तो मेरे को उसको सही करना है, कार को वापस बैलेंस शीट में लिखना है, तो उस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो डेप्रिसिएशन का डेबिट होगा पीएनएल में, तो इससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर गलती से रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट कर लिया है, तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उससे तो प्रॉफिट क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपने डेप्रिसिएशन अगर नहीं लगाया है तो आप वापस उस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा, यहां से माइनस हो जाएगा। तो ये 6 एडजस्टमेंट्स हैं जो तो अपन को करने होते हैं काफी पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में से, पिछले साल के प्रॉफिट में से। अब ये सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद, आपका ये जो प्रॉफिट आया है, जैसे अभी प्रॉफिट आया है 25,000, 20,000, 25,000, 25,000 और 25,000। अब ये जितने भी 6 एडजस्टमेंट है, ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, इन प्रॉफिट्स में अगर कोई ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब ये प्रॉफिट इंक्रीज ही इंक्रीज होते जा रहे हैं, पहले 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 60 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 80 हो गया, यानी कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो अपन सिंपल एवरेज की जगह यहां पे क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, समेशन पी इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, यानी सारे एडजस्टमेंट के, सारे पास एडजस्टमेंट करने के बाद अगर आपके प्रॉफिट में कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, समेशन पी इंटू डब्ल्यू, पी मतलब ये प्रॉफिट, डब्ल्यू का मतलब होता है वेट्स, तो यहाँ पे अपन वेट्स दे देंगे 1, 2, 3, 4, तो प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ गया डिवाइडेड बाय समेशन वेट्स, उन वेट्स का टोटल, तो ये आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये कब करना है, जब इन प्रॉफिट्स में कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा हो, इंक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा हो तब, और अगर कोई ट्रेंड ही नहीं है तो सिंपल एवरेज निकालेंगे, कैसे, टोटल प्रॉफिट, इन सारे प्रॉफिट्स का टोटल करा, उसको डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ ईयर से। जैसे यहाँ पे कोई ट्रेंड ही नहीं बन रहा है तो ये प्रॉफिट आ रहा है 20,000, तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 1,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं 5, तो ये आपका आ रहा है प्रॉफिट कितना 24,000 का। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है, इसमें से कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, तो उन फ्यूचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को किस में करते हैं, इस एवरेज प्रॉफिट में से करते हैं। क्या है ये एडजस्टमेंट, न्यू एक्सपेंस इन फ्यूचर, ऐसा कोई खर्चा जो बिजनेस में अभी तो नहीं हो रहा लेकिन अब आगे फ्यूचर में होगा। अभी तक मेरे ऑफिस में सैनिटाइजर का अरेंजमेंट नहीं था लेकिन अब मेरे को मेरे ऑफिस में सैनिटाइजर रखना पड़ेगा तो उसका खर्चा होगा एक्स्ट्रा, तो सपोज करो सैनिटाइजर का खर्चा होगा 1,000 पर मंथ एक्स्ट्रा खर्चा हुआ करेगा सैनिटाइजर का, तो 1,000 × 12 के हिसाब से मेरा साल का खर्चा 12,000 से बढ़ गया, तो ये ऐसा खर्चा है जो मेरे बिजनेस में अभी तो नहीं हो रहा था लेकिन अब आगे फ्यूचर में होगा, तो खर्चा फ्यूचर में होगा तो इससे फ्यूचर का प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना क्या निकाल रहे हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं जो फ्यूचर में कमाएंगे, तो एक ऐसा खर्चा जो बिजनेस में अभी तो नहीं हो रहा लेकिन अब आगे फ्यूचर में होगा, तो खर्चा फ्यूचर में होगा तो इससे फ्यूचर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ गया। फिर एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड इन फ्यूचर, कैसे खर्चे जो अब आगे फ्यूचर अभी तो हो रहे हैं, एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड इन फ्यूचर, ऐसे खर्चे जो बिजनेस में अभी तो हो रहे हैं लेकिन अब आगे फ्यूचर में नहीं हुआ करेंगे। अब क्या होगा, अब बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाना है तो अब बच्चे क्या होगा, स्कूल में नहीं आएंगे, ठीक है, तो बाहर को जो गार्ड है, चार गार्ड रख रखे तो उसमें
उसमें से मैंने दो कार्ड को हटा दिया, तो एक ऐसा खर्चा जो बिजनेस में अभी तक तो हो रहा था लेकिन अब आगे फ्यूचर में नहीं होगा, तो खर्चा एक्सपेंस फ्यूचर में नहीं होगा, तो इससे फ्यूचर का प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करो 1000 पर मंथ का कोई खर्चा अभी तक होता था बिजनेस में लेकिन अब आगे फ्यूचर में नहीं हुआ करेगा, तो खर्चा फ्यूचर में नहीं होगा तो इससे मेरे फ्यूचर का प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर न्यू इनकम इन फ्यूचर, ऐसी कोई इनकम जो बिजनेस में अभी नहीं हो रही थी लेकिन अब आगे फ्यूचर में हुआ करेगी। मैं अभी तक सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता था, अब आगे से मैं सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा जिससे मेरे को 1000 पर मंथ एडिशनल इनकम हुआ करेगी। तो एक ऐसी इनकम जो बिजनेस में अभी तक तो नहीं हो रही थी लेकिन अब आगे फ्यूचर में होगी, तो इनकम अगर फ्यूचर में होगी तो इससे मेरे फ्यूचर का प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। चौथा एडजस्टमेंट क्या है, इनकम नॉट इनकर्ड इन फ्यूचर, मतलब ऐसी कोई इनकम जो बिजनेस में अभी तक तो हो रही थी लेकिन अब आगे फ्यूचर में नहीं हुआ करेगी। अभी तक मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाऊंगा, तो उससे मेरे को 1000 पर मंथ इनकम होती थी लेकिन अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो इनकम मेरे को नहीं होगी। तो ऐसी कोई इनकम जो बिजनेस में अभी तक तो हो रही थी लेकिन अब आगे फ्यूचर में नहीं होगी, तो इनकम फ्यूचर में नहीं होगी तो इससे मेरा फ्यूचर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और लास्ट है रेमुनरेशन ऑफ द ओनर। देखो गुडविल अपन इस तरीके से ये मान के कैलकुलेट करते हैं कि आज अपन अपने बिजनेस को सेल कर रहे हैं, तो मैं बिजनेस का ओनर हूं, मैं अभी तक कोई काम करता था, सपोज करो मैं एज अकाउंटेंट काम करता था, तो मेरे को अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब मैं बिजनेस अपना किसी को सेल कर रहा हूं तो मेरा काम कोई और करेगा, तो एक ओनर्स का जो रेमुनरेशन होता है वो क्या करते हैं, अपन एवरेज प्रॉफिट में से लेस करते हैं। जो भी ओनर का रेमुनरेशन, सपोज करो 5000-4000 रुपीस का ओनर का रेमुनरेशन आप पे करते हो, तो जो भी फेयर रेमुनरेशन आप ओनर को पे कर रहे हो वो इस गुडविल निकालते समय एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। तो अब ये जो प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपीस का, ये कहलाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट है जो मैं आने वाले फ्यूचर में कमाऊंगा। तो ये जो पास्ट एडजस्टमेंट्स थे ये तो कब करने हैं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से, और ये फ्यूचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है ये किस में से करोगे, एवरेज प्रॉफिट में से, तो क्या निकलेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकलेगा। अब स्टेप 1 में यही निकालना था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो इस तरीके से अपन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे। फिर स्टेप 2 में अपन क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो यहां से निकाला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है कि हमारे नाम के कारण आने वाले कितने साल तक ये पर्सन हमारे नेम को यूज करके यही सेम प्रॉफिट अर्न करेगा, वो कहलाते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में अपन को गिवन होते हैं, तो जो ये प्रॉफिट है, सपोज करो 10,000 का प्रॉफिट है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट सामने वाला हमारे नाम से आने वाले 4 साल तक कमाएगा, तो 10,000 × 4, 40,000 मेरे बिजनेस की क्या हो गई, गुडविल हो गई अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखा जाए तो गुडविल निकालेंगे केवल दो ही स्टेप है। स्टेप 1 में अपन निकालते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये जो समझाया इस तरीके से। फिर स्टेप 2 में गुडविल कैसे निकलती है, ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारी क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। समझ में आई बात, तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया है, इसको पढ़िएगा रिवाइज करिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल से अपन इसके पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।